नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने Gmail का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब आप अपना पहली बार Gmail अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस समय आप अपने Gmail का पासवर्ड अपने दोस्तों को बता देते हैं, जिससे आपका दोस्त आपके Gmail का पासवर्ड जान के अपने फोन में उस Gmail अकाउंट से साइन इन कर लेते हैं और आपका गलत फायदा उठाते हैं। तो यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस Gmail के पासवर्ड को कैसे चेंज करें। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके Gmail से कितने डिवाइस में लॉग इन है, मतलब कि कितने मोबाइल में आप लॉग इन किए हुए हैं। ये भी बताऊंगा कि आपको यदि लग रहा है कि आप एक से अधिक डिवाइस में साइन इन है तो आप उसे कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपने फोन में जीमेल ऐप्स को। आप अपने फोन में सर्च कर लीजिएगा कि आपका जीमेल ऐप्स कहाँ पे है। ओपन कीजिएगा अपने फोन में जीमेल ऐप्स को। जीमेल ऐप्स ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लाइन बना हुआ है। तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग्स। तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सेटिंग्स पे। अब सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद आप अपने फोन में जितने जीमेल आईडी से साइन इन होते हैं यहाँ पे आपको ये दिख जाता है। जैसे यहाँ पे मैं दो जीमेल अकाउंट से साइन इन हूँ तो यहाँ पे मेरे को दो जीमेल आईडी दिखलाई दे रहा है। तो आप जिस जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको अब फिर से क्लिक करना होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ से स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है सिक्योरिटी का, तो मैं पासवर्ड चेंज करना है तो इसलिए आपको क्लिक करना होगा सिक्योरिटी पे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आना होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड का। यहीं से हम अपना जीमेल का पासवर्ड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इसे चेंज करने के लिए। और यहाँ पे अब आपको अपना पुराना ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पे आप पहले वाला पासवर्ड डालिएगा जो आप पहले ईमेल आईडी क्रिएट किए थे, वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। अगर आप अपना पहले वाला पासवर्ड भूल गए हैं तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे जीमेल का पासवर्ड भूल जाने पे उस पासवर्ड को रिकवर करते हैं, रिसेट करके एक नया पासवर्ड सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पहले वाला पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड डालिएगा। आप अपने अनुसार से सोच लीजिएगा कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो 8 डिजिट से कम का न हो। यहाँ पे आप अपना नया वाला पासवर्ड सेट कीजिएगा, 8 डिजिट से अधिक का पासवर्ड सेट कीजिएगा और उसके बाद फिर वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना नया पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डाल देने के बाद मैं फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा चेंज पासवर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमारी पासवर्ड चेंज हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, तो यहाँ से अब हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो यहाँ से इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि हम अपने ईमेल आईडी से कितने डिवाइस में साइन इन है, तो यहाँ पे इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे रहते हुए आपको स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है योर डिवाइस का, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है आप जितने डिवाइस में साइन इन रहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक डिवाइस में साइन इन हूँ, मैं अपने फोन में साइन इन हूँ। अगर आपको यहाँ पे एक से अधिक डिवाइस दिख रहा है तो इसका मतलब आप एक से अधिक डिवाइस में साइन इन है। और उसे लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मैनेज डिवाइस पे। और यहाँ पे अगर आप एक से अधिक डिवाइस पे अगर साइन इन रहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव करने का। यहाँ पे अभी मेरे केस में यह ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं सिर्फ इसी डिवाइस में साइन इन हूँ, इसलिए यह ऑप्शन नहीं मुझे मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में बड़े आसानी से अपने जीमेल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।